हेलो एवरीवन, तो लेट्स बिगिन आवर न्यू चैप्टर टुडे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट इनिशियल फेज में जब था सीडीएम, तो चौरी चौरा हत्याकांड और जब वायलेंस होने लगा था, तो गांधी जी को लगा कि लोग जो है अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए हैं नॉन वायलेंस मूवमेंट के लिए, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया था मूवमेंट। उसके बाद वो जेल में भी चले गए थे और लोगों को बोल दिया गया था कि पैसिव फेज में कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए। लेकिन कुछ लोग इस चीज से खुश नहीं थे, विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट से, और ना ही तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो इसी बीच में क्या होता है, जब गांधी जी जेल में रहते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है कांग्रेस में, और बहुत सारा नया स्वराजिस्ट पॉलिटिक्स इमर्ज होके आता है। तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर है कि उसके बाद क्या होता है, स्वराजिस्ट पॉलिटिक्स, नो चेंजर्स और सोशलिस्टिक आइडियाज का इमर्जेंस होता है इंडिया में। तो गांधी का अरेस्ट मार्च 1922 में हो चुका था, और एक डिबेट स्टार्ट हो जाता है कांग्रेस वाले लोगों के बीच में कि अभी जो ट्रांजिशन पीरियड है मूवमेंट का, इसमें क्या करना है। कांग्रेस को डर लग रहा था कि कहीं मासेस जो है वो फिर से वापस सो ना जाए, जिस तरह मूवमेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फिर से सो जाएगी, तो फिर उसे दिक्कत होगा जगाने में मूवमेंट को, जिस तरह की तब हुआ था जब तिलक जेल में चले गए थे सूरत स्प्लिट के बाद। इसलिए कांग्रेस यहाँ पे कमिटमेंट करती है कि इस जो स्पिरिट ऑफ द मूवमेंट है उसको ऊपर रखना है, लोगों को सोने नहीं देना है, कैसे ना कैसे करके इन्वॉल्व रखना है लोगों को। तो इसी बीच दिसंबर 1922 में गया में होता है कांग्रेस का सेशन। तो इस सेशन में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सी आर दास, एंड मोतीलाल नेहरू और अजमल खान यहाँ पे प्रपोज करते हैं अलॉन्ग विद सी आर दास कि एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी हो सकता है टू कीप अप द पेस ऑफ द मूवमेंट। तो ये लोग गया सेशन में प्रपोज करते हैं कि अभी तो मास मूवमेंट पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ब्रिटिश पूरा सप्रेस कर देगी, इसलिए कांग्रेस को जो है अपकमिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन आने वाला है और ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ के इन लोगों को बहुत लार्ज नंबर में भी काउंसिल में घुसना होगा, पार्लियामेंट में जाना है, और वहां जाने के बाद कांग्रेस क्या करेगी, कोई भी बिल आएगा, कोई भी लॉ लाया जाएगा जो कि एंटी इंडियन होगा, तो उसे फोर्स कर देगी, उसे डिफीट करेगी। और डिफीट करने के बाद क्या होगा, गवर्नर ऑब्वियसली क्या करना चाहेंगे, बाईपास करना चाहेंगे इस बिल को, मतलब भले ही डिफीट हो गया हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बिल ना बने, इन गवर्नर उसको तो एसेंट देंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी को कांग्रेस सीक करेगी और यूज करेगी मैसेज भेजने में इंटरनेशनल कम्युनिटी के, देखो हमने ये एंटी इंडिया बिल था, हमने फेल किया, फिर भी ब्रिटिशर्स ने क्या क्या बाईपास कर दिया, और इस तरह जो हॉलोनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो दर्शाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। सी आर दास फर्दर बोलते हैं कि जिस तरह अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पॉसिबल है नहीं मासेस के साथ, इसलिए कांग्रेस को जो है ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये इनसाइड द काउंसिल चलाना चाहिए इलेक्शन लड़के, और इससे लोगों को पता चलेगा थ्रू प्रेस कि वो लोग काउंसिल में क्या कर रहे हैं, और वो लोग मोटिवेटेड फील करेंगे ये जान के कि वो लोग बिल डिफीट कर रहे हैं वहां पे। इसलिए जो लोग एडवोकेट कर रहे थे एंट्री टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उन्हें कहा गया स्वराजिस्ट, जो इस आइडियोलॉजी, जो आइडिया दिया गया भाई सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान जो लोग प्रपोज किए थे और इसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ हमें इलेक्शन लड़के काउंसिल में जाना चाहिए, उसने स्वराजिस्ट कहा गया। जबकि जो अपोजिट साइड थे दैट वॉज अदर स्कूल ऑफ थॉट, जो कि इसे लीड कर रहे थे सी राज गोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी, इन लोगों को कहा गया नो चेंजर्स, क्योंकि ये लोग अपोज कर रहे थे प्रपोजल ऑफ ज्वाइनिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बोलते थे नहीं इलेक्शन नहीं लड़ना है, काउंसिल में नहीं एंट्री करना है। इनका कहना था कि अगर कांग्रेस को अलाउ कर दिया जाए ये इलेक्शन लड़ने को, तो फिर जो गांधी ने बोला था कि पैसिव टाइम पे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करने, उसके लिए कोई नहीं आएगा और उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। इसलिए नो चेंजर्स यहाँ पे कहते हैं कि इट इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ही है जो मासेस को अवेक रखेगा, अराउज रखेगा और प्रिपेयर करेगा उन्हें आगे आने वाले मास मूवमेंट के लिए, ना कि लेजिस्लेटिव प्रोपेगेंडा। तो नो चेंजर्स आर्ग्यू करते हैं तुम्हारा इनके साथ, जो स्वराजिस्ट होते हैं उनके साथ, बोलते हैं कि ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इतना अट्रैक्टिव है और इतना प्रिविलेजेस है उसमें कि जो मेंबर्स इनिशियली लड़के जाएंगे इलेक्शन वो तो एंट्री पा लेंगे लेजिस्लेचर में, और इनिशियली हो सके वो अपोज भी करे गवर्नमेंट के सारे बिल को, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वो लोग भी जो लोग इलेक्ट होके गए हैं वो लोग भी गवर्नमेंट को कॉपरेट करना शुरू कर देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा उन इंडियन, जब ये इंडियन नेशनलिस्ट जो काउंसिल में गए हैं वो खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश में और पार्ट बन जाएंगे गवर्नमेंट का। इसलिए किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। ये था नो चेंजर्स का आर्ग्यूमेंट।
लेकिन यहाँ पे दोनों जो थे स्वराजिस्ट और जो नो चेंजर्स थे दोनों नहीं चाहते थे कि स्प्लिट हो सूरत स्प्लिट जैसा, तो दोनों अवॉइड करना चाहते थे 1907 टाइप स्प्लिट। इसलिए सितंबर 1923 में उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग बुलाया दिल्ली में और एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचते हैं। ये डिसाइड होता है कांग्रेस में कि जो लोग लड़ना चाहते हैं इलेक्शन वो लोग लड़े, दे मस्ट बी अलाउड टू डू सो, लेकिन एज ए कांग्रेस मेंबर। वो लोग लड़ेंगे इलेक्शन लेकिन बट एज ए कांग्रेस मेंबर, ना कि एज ए मेंबर ऑफ सीकेएसपी। सीकेएसपी एक्चुअली कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी था जो कि फॉर्मड हुआ था आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम नो चेंजर्स इन गया सेशन ऑफ कांग्रेस, जब रेजिग्नेशन दिए थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग बनाए थे ये पार्टी। तो और ये भी डिसाइड होता है कि जो लोग जाना चाहते कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के लिए वो लोग जा सकते हैं, मतलब जो इलेक्शन लड़े लड़े कांग्रेस पार्टी से, और जो लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना चाहते हैं वो लोग करें। गांधी जो है इनिशियली जेल में ही थे उस समय और अपोज कर रहे थे कि स्वराजिस्ट का प्रपोजल ऑफ काउंसिल एंट्री, लेकिन बाद में जब वो जेल से छुट्टे फरवरी 1924 में एक पब्लिक स्टेटमेंट बोलते हैं कि दे आर माई पीपल, ये लोग जो है ये मेरे लोग हैं, दे आर एक्सटेंडिंग द एजेंडा ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस का एजेंडा को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इनके ऊपर पूरा फेथ रखिए, ऑन देयर बोनाफाइड्स, उनके इंटेंशन के ऊपर पूरा फेथ रखिए। दिसंबर 1924 आता है, कांग्रेस का सेशन बुलाया जाता है बेलगम में। तो ये सेशन के जो प्रेसिडेंट थे गांधी जी, तो दिस वाज द ओनली टाइम ही प्रिसाइडेड सेशन, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार बने और वो यही था। तो दोनों साइड जो है तुम्हारा स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि स्वराजिस्ट जो है वो वर्क करेंगे तुम्हारा काउंसिल में एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस, तो ये फॉर्मली डिसाइड हो जाता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, खुद स्वराजिस्ट में ही स्प्लिट हो जाता है। अब जो स्वराजिस्ट का पोजीशन था वो काफी वीकेंड हो चुका था क्योंकि कम्युनल रायट बढ़ रहा था कंट्री में ड्यू टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो इस तरह क्या हुआ था, स्वराजिस्ट जो है मुस्लिम्स का सपोर्ट खो बैठे थे क्योंकि वो एक्चुअली टीनेंट्स जो पीजे तुम्हारा बंगाल में काम कर रहे थे वो मेजरली मुस्लिम्स थे और जमींदार उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, तो उनका आवाज को सपोर्ट नहीं किए थे ये स्वराजिस्ट तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसके कारण मुस्लिम का जो सपोर्ट है ये खो बैठते हैं क्योंकि कम्युनल इंटरेस्ट भी एंट्री कर चुका होता है पार्टी में, और ये कम्युनल इंटरेस्ट फर्दर फायर्ड अप हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास इन 1925। अब जो स्प्लिट होता है स्वराजिस्ट में, उसमें से एक ग्रुप था रेस्पॉन्सिविस्ट, जैसे कि लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर, ये लोग को रेस्पॉन्सिविस्ट बोलते हैं। अब ये लोग जो थे रेस्पॉन्सिविस्ट लोग जो थे स्वराजिस्ट के अंदर, ये एडवोकेट कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट के साथ पूरा कॉपरेट करना चाहिए काउंसिल में। बिसाइड्स दे ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट, क्योंकि हमें हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और होल्ड करना है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वेयर एवर पॉसिबल। वही लोग जैसे मोतीलाल नेहरू थे वो इस आइडियोलॉजी को फेवर नहीं करते थे ऑफ सपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ काउंसिल वेयर टैग्ड एज एंटी हिंदू। और जो मोतीलाल नेहरू थे जो बोल रहे थे कि नहीं ये गलत होगा कि अगर हम हिंदू इंटरेस्ट को केवल प्रमोट करेंगे और गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, तो उन्हें एंटी हिंदू करार दे दिया गया बाय तिलक एंड ऑल। और वहीं दूसरे साइड में कुछ मुस्लिम कम्युनलिस्ट भी थे, वो लोग भी स्वराजिस्ट को बोल दिए एंटी मुस्लिम। तो इस तरह एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम का यहाँ पे कम्युनल नेचर हो जाता है पॉलिटिक्स में एंट्री। बट दिसंबर 1929 आते आते लाहौर में एक सेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का, और ये जो सेशन था कांग्रेस का दैट वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे कांग्रेस पास करती है एक रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज की, अब हम जो डिमांड करेंगे वो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे, और बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू होता है। तो कांग्रेस यहाँ पे अपने मेंबर्स को बोलती है कि आप लोग जितने लोग हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजाइन कीजिए लेजिस्लेचर से और आइए अब मिलके नेशनल मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एज ए रिजल्ट 1930 तक जितने भी स्वराजिस्ट एंट्री किए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो लोग वॉकआउट कर जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि जितने दिन भी ये स्वराजिस्ट लोग काउंसिल में रहे उनका अचीवमेंट्स क्या था। सो दे आउट वोटेड गवर्नमेंट बिल्स सेवरल टाइम्स, जितने भी गवर्नमेंट बिल्स आते थे जो एंटी इंडिया उन्हें लगता था उसे आउटवोट कर देते थे, उसे खारिज कर दिया करते थे। इन्होंने पावरफुल स्पीचेस भी दिया था इंडियन के सिविल लिबर्टी, सेल्फ गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। विट्ठल भाई पटेल जो एक स्वराजिस्ट थे, इन्हें एज फर्स्ट स्पीकर जो कहा जाता है 1925 में विद इन ब्रिटिश इंडिया इलेक्ट हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। एक बिल आया था पब्लिक सेफ्टी बिल 1928, इसके तहत गवर्नमेंट जो है उन्हें पावर था कि वो डिपोर्ट कर सकती थी किसी
किसी भी फॉरेनर्स को, एक्चुअली ये था कि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि ये जब से आइडिया है सोशलिस्टिक वाला तो ये लोगों में फैल रहा है, कुछ फॉरेनर्स ये चीज ला रहे हैं, तो उन्हें अगर जिसके ऊपर भी शक होगा उसे वो डिपोर्ट कर देते थे वापस अपने कंट्री में. तो ये बिल आया, ये बिल को भी फेल कर दिया गया था. दे फिल्ड द पॉलिटिकल वैक्यूम ऑफ द टाइम. उस समय कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी मास बेस्ड चल नहीं रहा था, तो उस वैक्यूम को फिलअप किया गया था बाय दिस काउंसिल मेंबर्स. मॉन्टफोर्ट स्कीम का हॉलोनेस को भी ये लोग एक्सपोज करते हैं काउंसिल में. दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट काउंसिल्स कुड बी यूज्ड क्रिएटिवली. अब जैसा नो चेंजर्स का कहना था कि वो लोग समा जाएंगे, वैसा हुआ नहीं. तो यहाँ पे ये लोगों ने दिखाई क्रिएटिवली कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं पार्लियामेंट को. वहीं दूसरी ओर नो चेंजर्स ने भी बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, जैसे उन्होंने बहुत सारा आश्रम वगैरह खोला भारत में जहाँ के मेंबर्स वर्क करते थे अमंग ट्राइबल्स एंड लोअर कास्ट एंड पॉपुलराइज यूज ऑफ चरखा एंड खादी को पॉपुलराइज किए, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए वर्क किया करते थे. नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खोला गया था ताकि स्टूडेंट लोग को ट्रेन किया जाए तुम्हारा नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे, कि उनका माइंडसेट वैसा कॉलोनियल टाइप का हो ना जाए और ब्रिटिश स्कूल में पढ़ पढ़ के. वर्क्स वेयर डन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी काम किया गया था इन लोगों के द्वारा, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, फिर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ लिकर एक्सेट्रा, ये सब भी काम किया गया. वहीं नो चेंजर वर्कर्स ऑल्सो सर्व्ड एज द बैकबोन, मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे होने वाला है उसका जो प्रिपरेशन था बैकबोन था वो नो चेंजर्स ने तैयार कर दिया था एज एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स. बट यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है इन कंस्ट्रक्टिव वर्क का, ये लोग फेल कर गए थे किसी किसी चीज में. जैसे कि नेशनल एजुकेशन जो बेनिफिट हुआ वो सिर्फ अर्बन लोअर मिडिल क्लास और रिच पीजेंट्स को पुअर तक नहीं जा पाया. वहीं जो लोग छोड़े थे तुम्हारा नौकरी गांधी जी के कहने पे, सो वो लोग वापस चले जाते हैं इन ल्यूर ऑफ जॉब्स. स्टूडेंट टुक बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वापस चले जाते हैं. ये लोग खादी को तो पॉपुलराइज कर रहे थे मेड इन इंडिया को, लेकिन वही हो रहा था कि ये खादी जो था दैट वाज क्वाइट कॉस्टलियर देन द इम्पोर्टेड क्लोथ. क्लोथ इम्पोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन से, वो सस्ता था देन द खादी जो कि इंडिया में ही होता था. नो एम्फेसिस वॉज लेड ऑन इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स कॉम्प्रोमाइजिंग मोस्टली ऑफ द अनटचेबल्स. तो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस के ऊपर ये लोग ध्यान नहीं देते थे, और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस में मोस्टली कौन थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स ही थे और अनटचेबल्स ही थे, तो इकोनॉमिक इश्यू पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया. तो दिस वॉज अबाउट कंस्ट्रक्टिव वर्क. इसी बीच सोशलिस्टिक आइडियाज भी इमर्ज हो रहा था. सोशलिस्टिक आइडियाज मतलब सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, प्राइवेटाइजेशन नहीं. तो यहाँ पे आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स और सोशलिस्टिक थिंकर्स वो इंस्पायर कर रहा था बहुत सारे ग्रुप्स जो भारत में थे. एग्जिस्टेंस है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का एग्जिस्टेंस होने लगा था तुम्हारा भारत में. तो यहाँ पे जो यंग नेशनलिस्ट थे तुम्हारे इस वक्त में, तो वो लोग काफी इंस्पायर हुए थे उस वक्त रशियन रिवॉल्यूशन, सोवियत रिवॉल्यूशन हुआ था जहाँ पे सोशलिस्टिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट आई थी कि सारा जो रिसोर्सेस का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा. और ये जो यंग नेशनलिस्ट थे ये काफी डिससेटिस्फाइड थे गांधीयन प्रोग्राम से और इसीलिए इन्फ्लुएंस हो रहे थे इस आइडियोलॉजी से. तो ये जो यंगर नेशनलिस्ट थे ये लोग काफी क्रिटिकल थे दोनों स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स का जो आइडियोलॉजी था दोनों के. ये लोग एडवोकेट करते कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ये लोग इन्फ्लुएंस्ड थे बाय करंट हैपनिंग्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भी हो रहा था वर्ल्ड वॉर वन के बाद और रशियन रिवॉल्यूशन में. दे रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ इंटरनल क्लास ऑपरेशन बाय कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स. ये लोग क्वेश्चन उठाते कि किस तरह ये कैपिटलिस्ट यानी जो बिजनेस वाले लोग हैं और जो जमींदार लोग हैं ये लोग ऑपरेस करते हैं तुम्हारे जो है लेबर्स लोग को बाय दिस लैंडलॉर्ड्स एंड ऑल. तो इसके भी अगेंस्ट ये लोग आवाज उठा रहे थे. तो इसी बीच इसी आइडियोलॉजी के बीच में एक पार्टी का फॉर्मेशन होता है दैट वॉज नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. 1920 में एक्चुअली सीपीआई का फॉर्मेशन टास्केंट होता है जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान नामक कंट्री का. उस वक्त सोवियत यू का पार्ट था जो कि बाद में रशिया हो गया टूट के और उज्बेकिस्तान एक कंट्री बना सोवियत टूट के बाय एमएन रॉय और अबानी मुखर्जी और भी बहुत लोग थे उस वक्त. और 1925 में फाइनली इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था कानपुर में जो कि फॉर्मलाइज कर दिया इस फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को. और जब ये सब आइडियोलॉजी हो रहा था तो पीजेंट्स जिन लोग का ऑपरेशन हो रहा था बाय लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट्स वो लोग भी एजिटेशन करने लगे. तो जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का यूपी वहां पे भी पीजेंट्स एजिटेशन वगैरह शुरू हो गया फॉर रिवीजन ऑफ टेनेंसी लॉ लैंड लॉज, फिर लोअर रेंट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन और रिलीफ फ्रॉम इनडेबटनेस, इस सब के खिलाफ एजिटेट करने लगे. गुजरात में भी पाटोली सत्याग्रह लीड किया गया था बाय वल्लभ भाई पटेल इन 1928 फॉर द कॉज ऑफ पीजेंट्स.
तो इससे क्या हुआ, अब ये सब आइडियोलॉजी हुआ तो ट्रेड यूनियन वगैरह भी फैक्ट्री में डेवलप होने लगा, तो ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। तो जो ट्रेड यूनियन का बहुत सारा मूवमेंट होता है बहुत सारे फैक्ट्रीज में, दैट वाज लेड बाय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, जो कि 1920 में फाउंडेशन होता है, और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे और दीवान चमनलाल इसके सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी थे। तो बहुत सारे स्ट्राइक्स होते हैं 1920 में, जैसे कि खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप में, टाटा आयरन सिलवक जमशेदपुर में, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में, बकिंगम कार्नेटिक मिल्स में, ये सब में होता है। इसी से वक्त 1923 में पहला मे डे, जिसको हम लेबर डे नाम से जानते हैं और छुट्टी मनाते हैं, वाज आल्सो सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन मद्रास पहली बार। और कुछ कास्ट मूवमेंट्स भी देख लेते हैं होता है इस वक्त, ताकि रिफॉर्म किया जाए कि जो कास्ट वाला सिस्टम है कि ये वो कास्ट का है या फिर कोई अदर कास्ट का है। तो जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हुआ था अंडर पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर इन मद्रास, सत्यशोधक एक्टिविटीज इन सतारा महाराष्ट्र, भास्कर राव जाधव महाराष्ट्र, रेडिकल इजावाज अंडर के अय्यपन और सी केशवन इन केरल, यादवाज इन बिहार, यूनियनिस्ट पार्टी अंडर फजल हुसैन, ये सब चला था ताकि कास्ट ऑपरेशन को बंद किया जा सके। यू कैन सर्च अबाउट दिस इन इंटरनेट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। कोई डाउट हो तो कॉमेंट मी, अदरवाइज